है गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल सो जो हमारी पिछली वीडियो थी हमने अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था जो थर्ड टॉपिक है हमारा अंडरस्टैंडिंग एंड अप्रिशिएटिंग साइंस उसमें जो हमारा पहला टॉपिक था प्रोसेस स्किल्स कि साइंस में कौन कौन सी ऐसी प्रोसेस स्किल्स हैं जो लर्नर्स के अमंग डेवलप की जाती है तो उसको हमने देखा था पॉइंट वाइज सारी चीज़ें हमने देखी थी क्या क्या, -क्या स्किल है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं तो वो हमने पिछली वीडियो में कवर कर लिया था लेकिन आज इस वीडियो में हम एक दूसरा सब टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं साइंटिफिक एटीट्यूड एंड साइंटिफिक टेंपर। तो ये जो दोनों वर्ड हैं ये जो दोनों टर्म हैं इनका क्या मतलब होता है और क्या क्या चीज़ें हैं क्या क्या ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं साइंटिफिक एटीट्यूड और साइंटिफिक टेम्पर के तो उसके बारे में आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्योंकि कई बार ऑप्शन में आपको जब आप साइंस पेडोलॉजी का अगर आप पेपर देखेंगे तो कई बार इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेते हैं साइंटिफिक एटीट्यूड ऑप्शन दे देगा कि कौन कौन इसमें कौन सा कैरेक्टर कैरेक्टरिस्टिक्स साइंटिफिक एटीट्यूड को शो करता है या साइंटिफिक टेम्पर को शो करता है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो उसी को आज इस वीडियो में कवर करेंगे ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं है तो बिना टाइम सॉरी बिना टाइम वेस्ट के चलिए स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको ये चीज़ समझना है कि ये जो दोनों टर्म्स हैं साइंटिफिक एटीट्यूड एंड साइंटिफिक टेम्पर ये इंटरचेंजेबली यूज़ की जाती है मतलब आप ये कह सकते हैं कि दोनों के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो ट्रेट्स हैं फीचर्स हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं ठीक है लेकिन अब फिर इसको अलग अलग क्यों यूज़ किया जाता है ये जो टर्म है साइंटिफिक टेम्पर ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने यूज़ करी थी अपनी बुक में डिस्कवरी ऑफ इंडिया तो इस वजह से इन दोनों टर्म्स को इस टर्म को भी यूज़ कर लिया जाता है बट दोनों के जो फ़ीचर हैं कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सिमिलर हैं कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं ये एक एटीट्यूड हमें पता है कि, कि किसी भी चीज़ को हमारे किसी भी चीज़ को देखने का हमारा नज़रिया मतलब जो हमारा मेंटल प्रोसेस है थिंकिंग प्रोसेस है वही चीज़ होती है हमारा एटीट्यूड क्योंकि हमारा एटीट्यूड ही हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करता है तो जिस भी तरह का एटीट्यूड होगा उसी तरह की हमारी डूइंग्स होंगी है ना जैसा हम सोचेंगे वैसा ही हम करेंगे वैसा ही हम फील करेंगे तो वही चीज़ है तो एटीट्यूड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है तो ये कहा गया है कि साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप किया जाए लर्नर्स के अमंग इट इज़ वन ऑफ द एम हमने जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में बात करी थी टू डेवलप साइंटिफिक टेंपर अमंग द इंडिविजुअल टू डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड अमंग द इंडिविजुअल और इट ये एक अल्टीमेट गोल आप कह सकते हो साइंस एजुकेशन का कि uh, सबसे पहले क्या किया जाता है जैसे हमने uh, सीक्वेंस में सारी चीज़ों को पढ़ा कि साइंस इज़ नॉट जस्ट अ बॉडी ऑफ नॉलेज बॉडी ऑफ नॉलेज के थ्रू मतलब किस तरह से जो भी नॉलेज है साइंटिफिक नॉलेज है उसको कंस्ट्रक्ट uh, करने के लिए एक इंक्वायरी प्रोसेस किया जाता है मतलब साइंस इज़ अ वे ऑफ इन्वेस्टिगेशन सॉरी साइंस इज़ अ प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी है ना तो उसके बारे में हमने बात करी थी अब क्या होता है जब इंक्वायरी बच्चा इन्वेस्टिगेशन इस तरह के प्रोसेस में इंगेज होता है तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसके अंदर कुछ प्रोसेस स्किल्स डेवलप होती हैं जो कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करी थी अब जब ये प्रोसेस स्किल्स डेवलप हो जाती है ना उसके अंदर तो फिर उस तरह की उसकी थिंकिंग भी डेवलप हो जाती है उस तरह की उसकी सोच बन जाती है जिसे हम कहते हैं साइंटिफिक एटीट्यूड क्या सोच बन जाती है क्रिटिकल थिंकिंग होती है लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होती है उसके अंदर क्रियोसिटी क्रिएटिविटी हमें पता है कि साइंस में बच्चों बच्चों को uh, बच्चों की क्रियोसिटी को कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है कि अपने आस पास के नेचर को लेकर के वो क्यूरियस हैं है ना ओपन माइंडनेस बढ़ती है तो ये सारे जो टर्म्स यहाँ पर हमने यूज़ करे हैं स्कैप्टिज़म ये ये किस तरह से बढ़ता है क्योंकि साइंस में इसका क्या काम है है ना कि डाउटफुल नेचर होना तो जो साइंट uh, uh, जो साइंस का जो लर्नर होता है उसका जो नेचर होता है वो स्कैप्टिज़म होता है तो उसके बारे में भी हम देखेंगे और उसके अंदर एक विलिंगनेस होती है कि वो uh, किसी भी जजमेंट को सस्पेंड कर सकता है अगर उस उसको लेकर के कोई सफिशेंट एविडेंसेस नहीं है तो तो ये सारी चीज़ें साइंटिफिक एटीट्यूड साइंटिफिक टेम्पर को शो करती हैं तो एक एक करके जो ऑप्शन मतलब जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं तो उसके बारे में हम देख लेते हैं एक एक करके तो सबसे पहले क्रिटिकल थिंकिंग या लॉजिकल थिंकिंग के बारे में जान लेते हैं क्रिटिकल थिंकिंग क्या होता है किसी भी चीज़ को क्रिटिकली देखना मतलब कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई भी साइंटिफिक नॉलेज है या फिर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है ओके okay, जिसको कोई भी समझने की कोई भी इंडिविजुअल समझने की कोशिश कर रहा है अब उसके दो कॉइन मतलब दो साइड हो सकते हैं उसके है ना हर भी हर चीज़ के दो साइड होती है तो उसको एनालाइज करना रिव्यू करना एवेल्युएट करना सोच करके रिफ़्लेक्ट करके तो इसमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यूज़ होती है किसी भी लर्नर की तो इस तरह की थिंकिंग डेवलप होती है साइंटिफिक टेम्पर uh, के दौरान जो बच्चा है वो क्रिटिकली सोचता है ऐसा नहीं है कि किसी भी चीज़ को वो एक्सेप्ट कर लेगा अगर टीचर ने कोई उसको बात कही कि ये चीज़ इस वजह से होती है और बच्चा उसको डायरेक्ट एक्सेप्ट कर ले तो वो तो सिर्फ ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज होगा तो उस तरह से नहीं वो तर्क करे मतलब क्यों इस वजह से हो रहा है ठीक है तो लॉजिकल थिंकिंग क्रिटिकल थिंकिंग उसके अंदर डेवलप होती है कि बच्चा रीजन के बेस पे सोचे किसी भी कंक्लूजन पर पहुँचे तो पहले सोचे कि किस रीज़न की वजह से उसका खुद का रीज़न होना चाहिए उसमें खुद की सोच होनी चाहिए तो वो चीज़ उसमें डेवलप की जाती है इससे क्या होता है जो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं हमारी सोसाइटी में अगर जिस इससे पहले जब साइंस का इतना वो नहीं था मतलब कि जब इतना इम्पोर्टेंस नहीं था सोसाइटी में तो लोग सुपरस्टिशन में काफ़ी ज़्यादा बिलीव करते थे हमें पता है कि जो हिस्ट्री uh, में हमने पास्ट में हमने है कि किस तरह से जो सोसाइटी uh, में कुछ ऐसी चीज़ें हैं सोशल इवल्स हैं सुपरस्टिशन है उन पर uh, काफ़ी ज़्यादा बिलीव किया जाता था तभी इसको एक फंडामेंटल ड्यूटी भी कहा गया है जैसे कि मैं अपने हर वीडियो में बताती हूँ आर्टिकल 51 वन ए एच में ये कहा गया है कि साइंटिफिक टेंपल uh, जो है हर एक इंडिविजुअल के अंदर डेवलप हो ताकि इस तरह के जो सोशल इविल्स हैं वो ख़त्म हो पाए और वो तभी होगा जब बच्चों के अंदर उस तरह की थिंकिंग डेवलप होगी जब वो रीज़न के बेस पे सोचेंगे ना कि बजाय किसी ने कोई मिथ uh, क्रिएट किया और बस उसको सोसाइटी जनरेशन टू जनरेशन एक्सेप्ट करते जा रही है तो वो चीज़ ख़त्म करने के लिए ऐसा किया जाता है तो क्या होता है हम कैसे कर सकते हैं लर्नर्स के अंदर उनको उस तरह का इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं जहाँ पर वो खुद चीज़ों को ऑब्जर्व करें इंफ्लुंस करे मतलब सोचे कि वो जो उन्होंने ऑब्जर्व किया है वो किस वजह से हुआ है हमने इसके बारे में बात करी है इन्फ्लुन्स ऑब्जर्वेशन बहुत बार मैं बता चुकी हूँ प्रिडिक्ट करें उसमें जो भी चीज़ वो देख रहे हैं उसमें कॉज़ और इफेक्ट जानने की कोशिश करें हमें पता है कि साइंस पे अगर कोई चीज़ हो रही है इफ़ेक्ट है अगर किसी भी चीज़ का हमें इफेक्ट देखने को मिल रहा है बारिश हो रही है तो इसका कुछ ना कुछ कॉज है प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ कॉज है तो हर चीज़ का कॉज होता है और हर उसी की वजह से इफ़ेक्ट होता है तो इस तरह की थिंकिंग बच्चों के अंदर डेवलप होती है ज़्यादा इसके बारे में हम और नहीं देखेंगे आप समझ ही गए होंगे फिर आता है रिस्पेक्ट फॉर एविडेंसेस जैसे कि मैंने कहा कि एविडेंसेस uh, को रिस्पेक्ट दी जाती है ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट कुछ भी माना और एक सीधा सीधा कंक्लूजन पर पहुंच गए बिना सोचे समझे बिना इवेल्यूएट करें तो एविडेंसेस के बेस पर ही चीज़ों को जज किया जाता है और फिर कंक्लूजन पर पहुंचा जाता है इससे क्या होता है ऑब्जेक्टिविटी आती है मतलब कि बाइसनेस ख़त्म होती है और साइंटिस्ट में तो ये चीज़ काफ़ी होना इम्पॉर्टेंट है साइंटिस्ट नहीं मतलब जो भी साइंस का लर्नर है और अगर इसको हम आम ज़िंदगी से भी जोड़ के देखें तो इस तरह की जो एबिलिटी है क्रिटिकल थिंकिंग लॉजिकल थिंकिंग ऐसा नहीं है कि सिर्फ Uh, बच्चों को साइंस uh, के फील्ड में जाना है इस वजह से इन चीज़ों को डेवलप किया जाता नहीं इसको प्राइमरी से सेकेंडरी लेवल तक साइंस एजुकेशन का देने का मतलब यही है कि बच्चों के अंदर इसको वो अपनी रियल लाइफ में भी अप्लाई कर सके ऑब्जेक्टिविटी आए उनके अंदर ऑनेस्ट आए ऑनेस्टी आए कि वो uh, ऐसा नहीं है कि अपने फीलिंग अपनी ओपिनियन के बेसिस पे चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए बच्चे खुद उनके अंदर उस तरह की एबिलिटी डेवलप हो कि वो बिना किसी बाइसनेस के चीज़ों को देख सकें ऑब्जर्व कर सकें ओके और ऐसा तो नहीं है ना ये सिर्फ साइंस में इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के हर फील्ड में इंपॉर्टेंट होता है ओपन माइंडनेस ये भी आप समझ ही रहे होंगे ओपन माइनस कितना ज़्यादा ज़रूरी है कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते उनका माइंड काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है जो ट्रेडिशनल बिलीव्स हैं वो अभी तक उनको ही फॉलो करते आए हैं बहुत सारी सोशल लेवल्स में आप इस चीज़ों को सोसाइटी में इस तरह की चीज़ों को देख सकते हैं जो भी सोशल लेवल्स हैं वो इसलिए है क्योंकि वो नई चीज़ों को मतलब जो भी आ, Uh, कुछ ऐसी चीज़ है जो सोसाइटी के लिए अच्छी है उस चीज़ को वो एक्सेप्ट ना करके अपनी पुरानी चीज़ों को ही ले करके चलते हैं ओपन माइंडनेस नहीं होती उनके अंदर वो एबिलिटी नहीं होती कि वो दूसरों को सुने या फिर अपना माइंड चेंज करें तो इस तरह की एक तरह से आप कह सकते हैं बहुत बड़ी एबिलिटी है कि हमारे अंदर ओपन माइंडनेस आए हम सुने दूसरे की बात और फिर उसको इवैल्यूएट करके लॉजिक के बेसिस पे एविडेंसेस के बेसिस पे अगर वो चीज़ सही लगती है तो फिर उसको एक्सेप्ट भी करने की हमारे अंदर एबिलिटी होनी चाहिए क्षमता होनी चाहिए ओके क्लोज माइंडेड नहीं होना चाहिए इंडिविजुअल तो ऐसा इस तरह से कर सकते हैं कि बच्चों को हम ग्रुप में आ, बच्चों को आ, कोई टॉपिक दे दिया या फिर उस पर हमने डिस्कशन करवाया बच्चों का अलग अलग व्यूज़ पॉइंट निकल के आए ताकि और फिर क्योंकि ये सारी चीज़ें ना प्रोसेस है ऐसा नहीं है कि मैं बच्चों को डेफिनेशन बता दो ओपन माइनस की वो सीख जाएंगे ऐसा तो नहीं होगा ना जब तक उस चीज़ को हम प्रैक्टिस में नहीं लेके आएंगे तो वो चीज़ नहीं होगी तो ये इंपॉर्टेंट है कि हम प्रैक्टिकली बच्चों को उसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं इंगेज कर रहे हैं जब बच्चा दूसरों के व्यूज सुनेगा तो उसके अंदर वो पेशेंस होना चाहिए ओपन माइनस होनी चाहिए कि वो उसकी रिस्पेक्ट करे साथ साथ अगर उसको उसकी बात गलत लग रही है तो फिर वो अपनी बात भी रखे लेकिन पोलाइटली तो ये चीज़ हमें डेवलप करनी है साइंस की क्लास के थ्रू आप समझ जाओगे उसके बाद नेक्स्ट आता है ऑनेस्टी इन ऑब्जर्वेशन ये आपने कई बार देखा होगा आपने अपने टाइम में मतलब हमने खुद भी किया ये चीज़ कि रिज़ल्ट हमारा ज़्यादा फोकस होता है जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम कैसे भी करके कोशिश करते हैं कि हमारा बस जो रिज़ल्ट है ना करेक्ट रिज़ल्ट जो चाहिए टीचर को बस वो आ जाए क्यों होता था ऐसा क्योंकि जो टीचर है वो खुद उसको नहीं आ, वो किस पे फोकस करती थी रिज़ल्ट क्योंकि उनको मुझे ऐसा लगता है कि उनको नहीं इम्पॉर्टेंस पता था कि जो रिज़ल्ट है वो इतना इम्पॉर्टेंट है या जितना इम्पॉर्टेंट ये है कि हम किस तरह से उस एक्सपेरिमेंट को कर रहे हैं मतलब तो प्रोसेस क्या है हमने कितना ऑब्जर्व किया हमारा माइंड उसमें कितना ज़्यादा इंगेज था ओके okay, तो रिज़ल्ट इम्पॉर्टेंट नहीं होता इसके अगर हम उस अगर हम उस एक्सपेरिमेंट को ऑनेस्टी से करते तो कितनी सारी हमारे हमारे अंदर कितनी सारी एबिलिटी डेवलप होती हम सोचते तो हमारे अंदर क्रिटिकल थिंकिंग भी डेवलप होती लॉजिकल थिंकिंग भी डेवलप होती हमारे अंदर ऑब्जेक्टिविटी आती है ना हमारे अंदर एविडेंस को लेकर के रिस्पेक्ट आता हमारे अंदर ऑनेस्टी आती लेकिन हमने किस पे फोकस की करा Results पे जिसकी वजह से ये रिज़ल्ट तो आ गया लेकिन ये जो बाकी सारी चीज़ें हैं ये हम मतलब जो भी इंडिविजुअल है उसके अंदर वो डेवलप नहीं हो पाएंगी ओके okay, तो आज तो हम इसके इंपॉर्टेंस को समझ पा रहे हैं लेकिन उस समय इसके इंपॉर्टेंस को हम नहीं समझ पाते थे तो ये चीज़ हमें आगे जाके नहीं करनी है फिर नेक्स्ट है स्केप्टिज्म स्केप्टिज्म साइंस में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें पता है साइंस इज डायनेमिक इन नेचर और नई नई डिस्कवरीज़ के साथ और नए नए इन्वेंशंस के साथ चीज़ें चेंज होती हैं कई ऐसी थ्योरीज हैं जो कि डिस्कार्ड हुई हैं और उसकी जगह पे नई थ्योरीज दी गई हैं है, है ना तो ये एबिलिटी होनी चाहिए कि जो हमारे जो बिलीव्स हैं जो किसी भी चीज़ को लेकर के आइडिया है फैक्ट्स हैं उनको लेकर के हमारी हमारा डाउटफुल नेचर होना चाहिए स्केप्टिज्म नेचर स्केप्टिज्म होना चाहिए ताकि हम उसको देख सकें कि मतलब खुद की जो हमारी आइडिया है ना कि मैंने इस जैसे कोई चीज़ है और मैंने उसको बोला कोई भी आ, आप समझ लीजिए कोई भी आ, बिलीफ है मेरा उसको लेकर के मैंने सोचा कि ये बिल्कुल इस लॉजिक इस रीज़न की वजह से ये सही है लेकिन अपनी इस एबिलिटी को मतलब इस लॉजिक को देखने की भी क्षमता मतलब एक तरह से मेटा अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखे तो आप समझ रहे हैं खुद की थिंकिंग को भी इवेल्युएट करना तो वो चीज़ होनी चाहिए स्कैप्टिज़म को वो बढ़ावा देती है ताकि फिर नई नई चीज़ें डिस्कवर होती है ओके समझ रहे होंगे आप उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे परसिवरेंस ये तो लाइफ के ये भी हर फील्ड में इंपॉर्टेंट है और ये भी एक एबिलिटी है जो डेवलप होती है और साइंस में इसका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हम पास्ट में देखें अगर आ, अगर हम चीज़ें देखें तो किस तरह से जो भी साइंटिफिक इन्वेंशन हुए हैं डिस्कवरीज़ हुई हैं वर दे ऑल वर द रिजल्ट ऑफ एफर्ट्स ऑफ द साइंटिस्ट मतलब उन्होंने एफ़र्ट्स लगाए थे रेगुलर एफर्ट्स लगाए थे ऐसा नहीं है कि एक दिन में ही कोई इन्वेंशन हो गया एक दिन में ही कोई डिस्कवरी हो गई ओके okay? तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और यही चीज़ बच्चों के अंदर भी डेवलप होनी चाहिए कि ठीक है सेटबैक्स होते हैं लेकिन उनको हमें फेलियर्स नहीं लेकर के चलना उनको एज अ लर्निंग एज अ पार्ट मतलब एज अ पार्ट ऑफ़ लर्निंग ले कर के चलना है और फिर आगे बढ़ जाना है जैसे कि आप एग्जाम्पल यहाँ पर एडिसन का ले सकते हैं एडिसन जिन्होंने लाइट बल्ब की इन्वेंशन किया था तो आपको पता है कितनी ज़्यादा बार वो फ़ेल हुए थे मोर देन टेन थाउजेंड टाइम्स वो फेल हुए थे और फाइनली उन्होंने कितना बड़ा इन्वेंशन यूज़ किया मतलब <laughs> सॉरी क्या बोलती हूँ मैं कितना बड़ा इन्वेंशन किया ओके okay, तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है परसिवरेंस और आप यहाँ पर ये तो ख़त्म हो गए सारे यहाँ पर आप देख रहे होंगे जितनी भी मैंने आज बातें करी तो ये सारी चीज़ें ना एक प्रोसेस के थ्रू डेवलप की जाती है तो कभी कभी आपको लगता होगा कि यार ये साइंस में आपने कभी अब आप, मतलब स्कूल टाइम में आपने सोचा होगा कि हम ये जो इक्वेशन लिख रहे हैं है ना जैसे हम ट्रेडिशनली क्लासरूम में पढ़ाई करते हैं तो हम ये सोचते हैं यार ये क्यों कर रहे हैं हम ये ओम्स लॉ से हमारा क्या हो जाएगा या फिर ये जो भी चीज़ है हम ये बोर्स कि ये मॉडल पढ़ रहे हैं इससे मेरा क्या हो जाएगा तो क्योंकि वो पढ़ाने का तरीका ही गलत था फ़ोकस किस पे होता था जो बॉडी ऑफ नॉलेज प्रोवाइडेड है ना बुक में उस पर फ़ोकस होता था अगर उसकी बजाय हमारा फोकस प्रोसेस पे होता ना मतलब जो हमारे टीचर्स हैं उनका फ़ोकस अगर प्रोसेस पे होता जो मेन एम है एजुकेशन का वो यही है कि इस तरह की एबिलिटीज़ इस तरह की स्किल्स लर्नर्स के मन डेवलप हो कि वो अपनी इसको हर लाइफ के एरिया में यूज़ कर सकें जो भी प्रॉब्लम रियल लाइफ सिचुएशन है जो मैं जो भी प्रॉब्लम्स है उसमें इन चीज़ों को यूज़ कर सकें इन एबिलिटीज़ को इन स्किल्स को तो दीज ऑल आर नॉट ओनली लिमिटेड टू साइंस एजुकेशन इट इज़ रिलेटेड टू आर लाइफ ओके okay, तो आप समझ रहे हैं तो मेन एम ऑफ एजुकेशन पे फोकस ना होते हुए हमारा जो फोकस होता है वो हमारा एग्ज़ामिनेशन पे होता है एग्जामिनेशन पे होने की वजह से हमारा पूरा टीचिंग प्रोसेस ही बदल जाता है क्योंकि सिस्टम ही ऐसा है कि बच्चों को सिर्फ एग्ज़ाम के लिए तैयार करना और फिर उस तरह का रिजल्ट ले करके आना जैसा कि स्टेक होल्डर्स चाहते हैं तो आप समझ रहे होंगे तो ये तो बिल्कुल ही बेकार है तो इस तरह की एजुकेशन प्रोवाइड करने से तो कोई फ़ायदा नहीं है तो कई बार आपने एग्जांपल सुने होंगे कि यार उसने एजुकेशन तो ली नहीं एडिसन के बारे में आप बात करेंगे तो फिर आप तो कहेंगे उसने वो तो कभी स्कूल गया ही नहीं फिर इतनी बड़ी इन्वेंशन कैसे कर दी क्योंकि इस तरह की एबिलिटीज़ उनके अंदर थी जो कि इम्पॉर्टेंट है फॉर द सक्सेसफुल लाइफ तो आज की वीडियो में बस इतना ही ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है